अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। और हसन ये आके क्या हुआ, हसन सोए हुए हो तुम? अभी गाइस, रिजल कैसे छुप के बैठा हुआ है अंदर, उसके देखे एक आंख निकल रही है कान। गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, मैंने अभी अपनी मम्मी के कहने पर ठंडे पानी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज, विंटर वेकेशन आ चुके हैं और मेरी स्कूल्स की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, लीव हो गई है मेरे स्कूल की, वेकेशन मिल चुकी है। तो गाइज, आप लोगों ने अभी तक मेरी ये रेड फूड चैलेंज वाली वीडियो देखी? गाइज, से वीडियो आ चुकी है, आप अभी जाएं और इस वीडियो को देखें और बहुत सारा प्यार करें। तो गाइज, अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, अभी मैं बैठ के अंदर अपना होमवर्क कर रहा था। गाइज, आज हमें दरअसल मार्केट जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। तो गाइज, अभी तो मैं ऐसे ही हूँ, मतलब कि मैंने कल वाले कपड़े पहने, अभी मैं जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा और फिर मैं मंगसर मार्केट जाऊँगा, कुछ ग्रोसरीज वगैरह लेनी। तो गाइज, चलिए चलते हैं। गाइस, अभी हेजल उठ चुका है और ऐसे शो कर रहा है जैसे उसको हम पर बहुत प्यार आ रहा है। छोटे साल ऐसे करते करता है कि इसको दिल करता है कि मतलब प्यार ही करता रहे, देखे। और गाइस, की टांग पकड़ो ना, तो ये यूं करता है, ये देखे। गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, मैंने अभी अपनी मम्मी के कहने पर ठंडे पानी से नहाया। उन्होंने बोला कि आज आप गर्म पानी से नहीं नहाओ, क्योंकि पानी नॉर्मल है, आप नॉर्मल पानी से नहाओ। लेकिन गाइस, पानी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। आप देख सकते हो, बहुत ही ठंड लग रही थी अंदर। आपने क्यों बोला कि नॉर्मल पानी था? पानी तो नॉर्मल जरा सा भी नहीं था मम्मा। भाई, पानी नॉर्मल था इसलिए। लेकिन गाइस, पानी बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। खैर, अभी मेरा मम्मा जाके मार्केट। हाय गाइस। सो गाइस, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए मेरे देखे आंखें नहीं खुली, बिल्कुल सूरज सामने है, तो मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैं एकदम इधर आ जाते हैं। तो मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैं अभी धूप में खड़ा हुआ था। खैर, तो मेरे देखे ये जो दीवार है ना, इधर आपको दिख रहा होगा मंजिल मोहम्मद हसन। तो गाइस, ये मंजिल मोहम्मद हसन मैंने आपको कौन सी वीडियो में दिखाया है, प्लीज़ 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 कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो इसलिए मैं अभी धूप ले रहा था और फिर मैं सोचा कि ना मैं वीडियो शूट करूँ, जैसे मेरे वीडियो मेरी आँखों में इतना बुरा सूरज तक लग गया। तो गाइस, मैं अभी पूरा रेडी हो चुका हूँ और गाइस, मैं नया मास्क लिया है दराज से। तो गाइस, अभी हम लोग जाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस, वेकेशन चल रही है, सो मुझे बहुत सारे लोगों से पूछना है कि आप लोगों को समर वेकेशन ज़्यादा पसंद है या विंटर, प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइए। लेकिन इस बार की जो समर वेकेशन थी वो इतनी ही लंबी थी, बहुत ज़्यादा। हेलो, तो गाइस ये देखिए, ये है मेरे प्यारे कराची का प्यारा सा सराफा बाजार। और गाइस ये देखिए, यहाँ पर जो कचौरी वाला है ना गाइस, वो बहुत ही इसकी मज़ेदार कचौरियाँ होती हैं। गाइस, मैंने हर जगह की कचौरियाँ ट्राई की हैं, लेकिन गाइस यहाँ की कचौरी इज़ बेस्ट। और गाइस, यहाँ पर रोल, समोसे, कबाब, पैटिस वगैरह गाइस सब कुछ मिलता है गाइस। सो गाइस, अब मैं ट्राई करने लगा हूँ मोस्ट फेमस सराफा बाज़ार की मोस्ट फेमस मज़ेदार सी कचौरियाँ। गाइस, हमने तो हर जगह की कचौरी ट्राई की है, लेकिन गाइस इस कचौरी का कोई जवाब नहीं, क्योंकि गाइस ये कचौरियाँ बहुत मज़े की होती हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जब भी सराफा बाज़ार आएँ, प्लीज़ 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 यहाँ की कचौरी लास्ट में ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ की कचौरियाँ बहुत पसंद आएगी। बाय बाय गाइस। वैसे तो मैंने कराची में बहुत सी जगहों से कचौरी खाई है, लेकिन गाइस यहाँ की जो कचौरी है ना, सबसे बेस्ट है, बहुत ही मज़ेदार कचौरी होती है गाइस यहाँ पर। सो गाइस, अब मैं ट्राई करने लगा हूँ यहाँ का मोस्ट फेमस चिकन समोसा। गाइस, ये समोसा भी गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़े का था और गाइस अफोर्डेबल था और बहुत मज़े का था गाइस, एकदम यम्मी यम्मी था। तो फ्रेंड्स, अब हम आए हैं कराची की मार्केट, ली मार्केट। गाइस, ये फ्रू मार्केट है और गाइस यहाँ पर जो फ्रूट होते हैं गाइस, वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं और अफोर्डेबल होते हैं।
फाइनली अब हम लोग घर आ चुके हैं और हम लोग शाम को ही आ गए। गाइस मैंने जैकेट नहीं पहनी थी क्योंकि मुझे लगा था ठंड है, लेकिन थैंक गॉड कि ज़रा सी भी बारिश ना, मतलब कोई नॉर्मल मौसम था, ना ही ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा गर्मी थी। और जो हमारा काम था हमने सोचा हमारे मतलब कि फ्रूट्स लिए और जो हमारा काम करना था हमने कर लिया और हम घर वापस आ चुके हैं यार। तो अभी चलिए चलते हैं, खोले अभी हम लोग घर आए हैं और हेजल अभी भी वैसे ही ये देखिए अभी भी देखो उसको नींद आई हुई है। गैस परसों आपको तबीयत बहुत ख़राब थी, इसने उल्टियाँ की थी मोमेंट, बढ़िया बेटर है। देखिए अभी हेजल के अंदर आलसी बना आ चुका है और जा चलो बहुत सोची आपने उठ जाओ, बहुत सो लिया, बहुत सपने देख लिए, अब बस उठो काम करो, चलो चलो इधर उठ जाओ। गाइस जब हम गए थे वह सो रही थी, जब आए वह सो रही है, इसका पूरा दिन यही काम है, खाना सोना खाना सोना। उठो की कब हाथ पकड़ो, देखे गाइस हाथ पकड़े छुला रही है, लाते मारी अच्छे से उसकी दुम यूं हिलती है, तो इसका मतलब सीधे नाटक कर। गाइस हेजल कैसे छुप के बैठा हुआ है अंदर, देखे कान निकल रही है, कान वो बड़ी निकल रहा है। हेलो आई थिंक यार इसको ठंड लग रही है हेजल को, दैट्स व्हाई इस रेड ब्लैंकेट के अंदर छुप के बैठा हुआ है। सो डाउन अस्सलाम वालेकुम। और हसन ये आके क्या हुआ, हसन सोए हुए हो तुम? अभी उठाऊँ, क्या हो गया? गाइस मैं आया था, उसके बाद मैं बहुत पतली थक गया था, तो फिर मैं फ़ोन देखते देखते सो गया और अभी मगरिब का टाइम होने वाला है और मेरे को मेरी मम्मी ने आके अभी उठाया। हाँ क्योंकि मगरिब के टाइम सोना नहीं चाहिए, दिन में नहीं सोया। तो गाइस मैं अभी एक पावर नैप लेकर उठा हूँ क्योंकि आने आते साथ ही पता नहीं मेरे को थकान हुई थी, मैं फ़ोन देते देखते ही शायद सो गया। खैर वैसे मैं कभी इवनिंग या दिन के टाइम में नहीं सोया हूँ, बट आई डोंट नो आज कैसे, शायद इसलिए क्योंकि मैं ठंडे पानी से ना आया था तो इससे थकान हो रही थी। खैर मेरी मम्मी ने उठा दिया है क्योंकि अभी मगरिब का टाइम है और मेरी मम्मी कहती है कि मगरिब के टाइम पर सोना नहीं चाहिए, इसलिए गाइस मैं अभी उठकर बैठ चुका हूँ। सो मैं अभी आपसे मिलता थोड़ी देर के बाद। गाइस मैं अभी हेजल को कैट फूड डाल के दे रहा हूँ क्योंकि गाइस ये भी मेरे साथ ही अभी सोकर उठी है। और गाइस ये वाला कैट फूड आपको याद ही होगा, ये हमने मार्च से खरीदा था वो रेड फूड चलने वाली वीडियो में। और गाइस हम कैट फूड लाने के बाद ऐसे ही किसी भी बाउल में किसी भी बर्नी में रख देते हैं। सो अभी उसका पेट भर चुका है। सो गाइस अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, लेकिन गाइस मेरे अंदर फिर कोई आलसी बना आ चुका है और मैं गाइस यहाँ से आराम होकर लेट हूँ, पता नहीं गाइस जब सुस्ती आ रही है अपने का देने चाह रहा, इसलिए आराम कर रहा हूँ। फ्रेंड्स अभी हो चुकी है रात, नानी के मगरिब हो चुकी है और अभी मैं और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर हम लोग जा रहे हैं हमारी आनी के घर, यानी कि मना है लोगों के घर। अभी मुझे क्या है ना फ्रेंच फ्राइज लेना है। Over the horizon. Over the horizon. अभी हम फाइनली आंटी के घर पर पहुंच चुके हैं और मेरी ब्रीथ इतनी हार्ड हुई थी, हार्ट बीट इतनी हाई हुई क्योंकि मैं भाग भाग कर आया हूँ। अब फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, खोले करो। Hi guys. So guys, अब मैं मनाहेल के घर पहुंच चुका हूँ और मनाहेल इधर अपना ब्लॉग बना रही है। ये देखिए ये रही मनाहेल की न्यू बिल्ली, इधर देखो। और गाइस इसकी और मनाहेल वाली की बिल्ली की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और गाइस ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट है और अभी मेरी मम्मा की गोद में बैठी है। सो गाइस ये जो मनाहेल की न्यू कैट है गाइस ये मेरी आपे की गोद में गाइस इतने आराम से इतने प्यार से लेटी हुई थी और मेरी अभी खारिज के सर पे हाथ फेर दिए और गाइस सो गए इतनी जल्दी ही। सो अभी हम लोग खेलने वाले हैं कार्ड्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए कार्ड्स,
ऐसे ही खेलते हैं, सो डोंट टेक इट सीरियस के वो ऐसा वैसा पैसा वाला नहीं गाइज, ये हम ऐसे सिंपल सा खेल रहे हैं टाइम पास करने के लिए। तो गाइज अभी हमारा गेम स्टार्ट होने वाला है। और मुझे अपने कार्ड में छुपाते हुए खेलना है। बहुत बुरा लग, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा ओके, नहीं चलो नेक्स्ट पारी। बाय बाय। गाइस नाउ इट्स माय टर्न, सो लेट्स पिक अप द कार्ड एंड सी हमारा क्या आया है। ओके सो हमारा आया है बाय। सो इट्स नाउ, सो गाइस अगेन इट्स माय टर्न और मेरा फिर से 5 आया है और नाउ आल्सो इज माय टर्न। सो गाइस फिर से 5 आया है, वाह व्हाट अ माय लक। सो आल्सो माय टर्न एंड गाइस बार बार नहीं होता इसलिए मुझे कुछ ना कुछ पता रखना पड़ेगा। ये लक नहीं, ये मिक्स है नहीं हुए मेरे कार्ड, लेकिन अब तो मेरा आ गया। सो या 7 इट्स माय टर्न गाइस, मेरा आया है जोकर। सो मेरे को तो अभी जोकर नहीं है, सो ओके हमारा किसी काम का नहीं जोकर। हाय गाइस, सो मैं भी कार्ड्स खेल रहा हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ कार्ड्स खेलने के बाद। अब तक के लिए बाय बाय, मेरी टर्न आ चुकी है। अभी लास्ट चल रहा है, सबके पास बहुत कम कार्ड्स रह गए, वहाँ से कार्ड्स खत्म हो गए। सो समझो फिनाले चल रहे हैं, तो देखते हैं कौन जीतता है ये वाला कार्ड्स का गेम। ये देखिए अभी सारे के सारे जे आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं गाइस अपना इनको अपने अकाउंट में डाल दूँ। तो गेम फिनिश नहीं बल्कि अभी चल रहा है, गेम खत्म हो चुका है। तो अब देखते हैं इस गेम में विनर कौन है। सो फ्रेंड अब मेरे कार्ड्स गिने जा रहे हैं और गाइस मेरे हिस्से में आए हैं सिर्फ 60 कार्ड्स। सो गाइस अभी बारी है मनाहल के कार्ड्स की। सो गाइस मनाहल के कार्ड्स थे 120, लेकिन गाइस बाद में पता चला क्योंकि मनाहल उसकी मम्मा ने कार्ड एक्सचेंज किए थे, सो वो मनाहल के असली कार्ड्स नहीं थे। क्लियर विनर हुई है मेरी आप ही, बिकॉज मनाहल और उसकी मामा ने चिटिंग की थी, उन लोगों ने अपने कार्ड एक्सचेंज कराए और हमको पता भी नहीं चलने दिया। इट्स अ स्मार्ट वर्क, बट सेकंड आया हूँ मैं और फर्स्ट आई है मेरी आप ही, हम दोनों घर वाले जीत गए। मनाहल हार चुकी है, मनाहल जीत गई है। तो फाइनली हमारा जो कार्ड्स वाला गेम था वो खत्म हो चुका है और मैं आया हूँ 3rd पोजीशन पर और मनाहल आई है फेल सेकंड पोजीशन आई है मेरी आनी, फर्स्ट में मेरी आपी जो अभी डायरेक्टर बनी मेरी वीडियो की, और मैं आया हूँ 3rd और मेरी आंटी आई है, नहीं मैं आया हूँ 2nd, मेरी आनी आई है 3rd और ये 4th फिर आई है मनाहिल। उनका क्रेडिट लेके बैठा हुआ है। हाँ 3rd ये आया है, 2nd मेरी मम्मा आई है, इसके 16 कार्ड। सॉरी मेरी जबान फ्लिप हो गई थी। मेरी और मनाहिल की स्कूल की वेकेशन हो चुकी हैं, ये तो गाइस हम लोग इस वेकेशन को बहुत इंजॉय करेंगे और मज़ेदार सी वीडियो शूट करके आपके लिए ज़रूर दिखाएंगे, आपके लिए मज़ेदार सी वीडियो शूट करेंगे और आपके लिए बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी हर वीडियो पसंद करोगे। लेकिन गाइस जिन लोगों ने अभी तक मेरी रेड फूड चैलेंज वीडियो नहीं देखी तो गाइस ये देख लें, इधर अभी मेरे चैनल पर आ चुकी है वीडियो, आप लोग प्लीज़ देख लें। सो गाइस फाइनली अब हमारा डिनर आ चुका है और गाइस आज है चिकन रोल और गाइस इसके साथ मज़े कर आया था, बहुत मज़े थे गाइस चिकन रोल। सो गाइस मैंने अभी चिकन रोल ट्राई किया और गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था चिकन रोल, बट गाइस स्पाइसी था, वैसे भी हम लोग स्पाइसी लवर हैं। और गाइस जैसे मैंने ट्राई किया थोड़ा सा बेडशीट पे गिर गया, तो अंकल वहीं पर थे कि नीचे कुछ कागज़ या कपड़ा रख के खाओ, तो गाइस के बाद मैं कागज़ रख के खा रहा था। जाने लगे हैं तो मैंने बाय बाय कर दो। तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं और मैं करता हूँ अपने ब्लॉग का एंड। सो गाइस यहीं तक मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो गाइस इस वीडियो को
लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस प्लीज़ आप लोग मेरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को थम्स अप दिया करें। सो मैं इसी के साथ नई वीडियोज़ के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, तारा लव यू, बाय बाय।